आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भिवंडी के लोकसभा इलेक्शन की। जी हां, भिवंडी का लोकसभा इलेक्शन उरूज पे है और इसी उरूज को देखते हुए आज भिवंडी के उम्मीदवार बालिया मामा के भतीजे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जो वलगांव में था, जहाँ पर अच्छी खासी तादाद में पत्रकार मौजूद थे। उनके भतीजे ने विकास की बातें की है। उन्होंने बताया कि भिवंडी में और बहुत से कामों को अंजाम देना है, जिसमें स्टेट स्टैंड टोरेंट पावर फाइबर के और ज़्यादा स्टेशंस और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने बयान में कहा। ये चलिए उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलते हैं और उनसे कुछ सवालात भी करते हैं कि आने वाले दिनों में जब वो यहाँ पर जीत के आएंगे तो इस भिवंडी शहर के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। गिरीश कृष्णा मात्रे बालियावां का भतीजा और भिवंडी पूर्व का निरीक्षक या प्रभारी, मैं आप सब पत्रकारों का स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। और पत्रकार परिषद का मूल कारण है कि 2 तारीख को जो नॉमिनेशन नामांकित भरने वाले हैं महाविकास आघाड़ी के माननीय श्री सुरेश बालियावां मात्रे, महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी वजह से गुजारिश है कि बड़ी संख्या में आप लोग उपलब्ध रहो। कार्यक्रम की रूपरेखा सुबह 10 बजे शिवसेना शहर शाखा भिवंडी यहाँ से यहाँ पे सबको जमा करना है, फिर वहां से आगे हम लोग अभी देखेंगे सर। हाँ, शिवाजी चौक सुबह 10 बजे। रोजगार के लिए आप देखो कि जैसा अभी मेन बिजनेस वेयर हाउसिंग और टेक्सटाइल है, बेसिक इंफ्रा अगर आएगा तो एज हम लोग भी एज ए डेवलपर ही है। अभी फिलहाल हम लोग के जो भी वेयर हाउसिंग में लगभग 90 से 1 लाख लोग रोजगार उपलब्ध कर चुके हैं और ये रिकॉर्ड में। अगर MIDC का कोई भी स्कीम लाते हैं हम लोग अंडर MIDC में, तो हम लोग को गवर्नमेंट के अंडर लिख के देना पड़ता है कि 1 एकड़ में हम लोग कितना रोजगार ला सकते हैं। तो रोजगार के लिए ही हम लोग कोशिश करेंगे वेयर हाउसिंग सेक्टर में और टेक्सटाइल मार्केट में। नहीं, चुनावी जुमला नहीं है। आप कभी भी आके, मैं अभी मेरे कंपाउंड में पीछे ही अपन जहाँ बैठे क्रिएटिव गारमेंट करके, वहां से आप देखो तो भिवंडी के महिलाओं की का ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग को कोशिश वही करेंगे जैसा हर एक इसमें डिग्री कॉलेज हुआ, बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, कोई भी लॉ, उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। 10 तारीख को देश के प्रधानमंत्री उसके लिए मैं इतना ये नहीं, नो कमेंट। हाँ, ठीक है, उसमें काका बोलेंगे।